हेलो दोस्तों, बहुत बहुत स्वागत है आपका हमारे इस यूट्यूब चैनल में। फ्रेंड में विकास सक्सेना और आप देख रहे हो विकास जी टेक चैनल। फ्रेंड आज के इस वीडियो में बात करने वाला हूँ केक ऐप क्या, इसे कैसे यूज करेंगे। आज के इस वीडियो में इस टॉपिक पे बात करने वाले हैं, तो बने रहे इस वीडियो के साथ। फ्रेंड यदि आपको इंग्लिश सीखना है तो यह ऐप आपके लिए बेस्ट ऐप है। तो आपको अपने प्ले स्टोर पर करके यह ऐप आपको इंस्टॉल कर लेना होगा। जब आप इसे इंस्टॉल कर लेंगे तो आपको इंस्टॉलर ओपन का ऑप्शन देखने को मिल जाता है। 4.6 की रेटिंग है। यदि आप इसके बारे में जानकारी लेना चाहते हैं, अबाउट का सेक्शन यहाँ पे दिया गया, आप इस पर क्लिक करके जानकारी भी ले सकते हैं। तो आपको इसे कर देना होगा ओपन। जैसे आप ओपन कर देंगे, अब यहाँ पे आपको अपना लैंग्वेज चूज कर लेना होगा, जिस लैंग्वेज में आप यूज करना चाहते हैं अपना यहाँ पे सेलेक्ट कर लीजिए। यहाँ पे आपको बहुत सारा लैंग्वेज देखने को मिल जाएगा, तो आप जिस भाषा में इंग्लिश सीखना चाहते हैं आप यहाँ से सेलेक्ट कर सकते हैं। तो चलिए यहाँ से कोई भी एक भाषा सेलेक्ट कर लेते हैं। अब यदि आप इसे हिंदी में यूज करना चाहते हैं, इसे इंग्लिश में यूज करना चाहते हैं, या हिंदी में सीखना चाहते हैं, इंग्लिश में सीखना चाहते हैं, अपना यहाँ पे सेलेक्ट कर सकते हैं। उसके बाद यहाँ पे स्टार्ट नाउ का ऑप्शन देखने को मिल जाएगा, तो आपको स्टार्ट नाउ के ऑप्शन पे क्लिक कर देना होगा। जैसे आप इस पे क्लिक कर देते हैं, अब यहाँ पे आपको इसे क्रॉस कर देना होगा। जैसे आप इसे क्रॉस कर देंगे, अब यहाँ पे सबसे पहले आपको अपना अकाउंट क्रिएट करना पड़ेगा। उसके लिए यहाँ पे अपना ईमेल डाल देना होगा, उसका कंटिन्यू के ऑप्शन पे आपको क्लिक कर देना होगा। यदि आप अपने फेसबुक या गूगल अकाउंट से लॉगिन होना चाहते हैं तो आप अपने फेसबुक या गूगल अकाउंट से भी लॉगिन हो सकते हैं। तो आपको क्या करना होगा, अपने गूगल अकाउंट से लॉगिन हो जाना है। जैसे आप लॉगिन हो जाते हैं, अब यहाँ पे आप बैक भी आ सकते हैं, इसे क्विट भी कर सकते हैं। जैसे आप इसे बैक कर देंगे, अब आपके सामने कुछ इस प्रकार का इंटरफेस आ जाएगा। अब यहाँ पे देख सकते हैं, यहाँ पे आपको बहुत सारा वीडियो देखने को मिल जाएगा। अब यहाँ पे मेरा अकाउंट बन चुका है। अब यहाँ पे देख सकते हैं, यदि आप पढ़ना चाहते हैं तो यहाँ पे आपको वीडियो देख के आप यहाँ से पढ़ सकते हैं। यहाँ पे आपको वीडियो के माध्यम से बताया गया है या पढ़ाया जाएगा, तो आप यहाँ से वीडियो देख के ही पढ़ सकते हैं। यहाँ पे आपको पढ़ाया जाएगा कि आप किस प्रकार से पढ़ पाएंगे या इंग्लिश कैसे सीख पाएंगे, यहाँ पर बताया गया है। नीचे आपको होम का और यहाँ पर क्लासेज का ऑप्शन देखने को मिल जाएगा, तो आपको क्लासेज के ऑप्शन पर क्लिक कर देना होगा। जैसे आप इस पर क्लिक करेंगे, अब यहाँ पर फ्री क्लास का ऑप्शन देखने को मिल जाएगा, और यहाँ पर आपको सभी क्लास फ्री में देखने को मिल जाएंगे। तो आप यहाँ से कोई भी क्लास फ्री में अटेंड कर सकते हैं। अब यहाँ पे यदि आप इसे सीखना चाहते हैं तो आप यहाँ से आप अपना इसे सेलेक्ट करके वीडियो देख सकते हैं और यहाँ से सीख सकते हैं। अब नीचे आपको स्पीक का ऑप्शन देखने को मिल जाता है। जैसे आप कोई भी सवाल पूछना चाहते हैं या कोई भी बुक देखना चाहते हैं तो आप यहाँ से कोई भी बुक देख सकते हैं। यहाँ पर आपको कैटेगरी भी देखने को मिल जाएगा, तो आप किस कैटेगरी या किस लेवल का पढ़ना चाहते हैं या किस लेवल का पढ़ाई करना चाहते हैं अपना यहाँ पर सेलेक्ट कर सकते हैं और पढ़ाई कर सकते हैं। अब यहाँ पे देख सकते हैं, यहाँ पे आपको बहुत सारा ऑप्शन देखने को मिल जाएगा। तो आप यहाँ से कोई भी बुक या कोई भी वीडियो देखना चाहते हैं तो यहाँ से आप फर्स्ट वीडियो देखना चाहते हैं या फर्स्ट एपिसोड देखना चाहते हैं, यहाँ पे पहले दिन का आप कितना वीडियो है यहाँ पे आपको शो हो जाएगा, दूसरे दिन का कितना पढ़ाया गया यहाँ पे वो भी शो हो जाएगा। तो यहाँ पे देख सकते हैं, यहाँ पे आपको नीचे रिव्यू का ऑप्शन देखने को मिल जाता है। जैसे आप इस पर क्लिक कर देते हैं, अब यहाँ पे आप देख सकते हैं, यहाँ पे की एक्सप्रेशन क्विज का ऑप्शन देखने को मिल जाएगा। यहाँ से आपको क्वेश्चन दिया जाएगा, तो आप यहाँ से क्वेश्चन भी हल कर सकते हैं। और यहाँ पर वीडियो लाइब्रेरी भी देखने को मिल जाएगा, तो आप यहाँ से वीडियो की लाइब्रेरी भी देख सकते हैं कि आपने कितना वीडियो यहाँ पर डाउनलोड करके रखा है, यहाँ पर वो भी शो हो जाएगा। नीचे आपको प्रोफाइल का ऑप्शन देखने को मिल जाता है। जैसे आप इस पर क्लिक करेंगे, अब यहाँ पे आपका प्रोफाइल शो हो जाएगा, और यहाँ पे देख सकते हैं, यहाँ पे माय अचीवमेंट का भी ऑप्शन देखने को मिल जाएगा। तो आप यहाँ पे देख सकते हैं, यदि आप रेटिंग देना चाहते हैं तो आप यहाँ से डायरेक्टली रेटिंग भी देख सकते हैं। अब यहाँ पे जैसे और ऊपर आपको सर्च बार भी देखने को मिल जाएगा, आप कोई भी सर्च करके कोई भी वीडियो देखना चाहते हैं तो आप यहाँ से सर्च करके भी वीडियो देख सकते हैं। यदि आप वीडियो प्ले करके देखना चाहते हैं तो यहाँ पे आपको वीडियो को सेलेक्ट कर लेना होगा कि आप कौन सा वीडियो देखना चाहते हैं। तो आप जैसे वीडियो सेलेक्ट कर लेंगे, अब यहाँ पर बताएगा कि आपको किस प्रकार से पढ़ना है, तो आप यहाँ से पढ़ सकते हैं। यहाँ पर बोल के बताएगा, तो आपको क्या करना होगा, यहाँ इसके साथ ही आपको पढ़ना पड़ेगा, तब यहाँ से आप इंग्लिश सीख पाएंगे। तो आपको भी यदि आपको इंग्लिश सीखना है तो आप यहाँ से इंग्लिश सीख सकते हैं आसानी से, वीडियो देख के या यहाँ से पढ़ के। तो कुछ इसी प्रकार से आप इस ऐप को यूज कर सकते हैं और यहाँ से पढ़ाई कर सकते हैं। यदि आप कोई भी सवाल पूछना चाहते हैं, नीचे आपको स्पीक का ऑप्शन देखने को मिल जाएगा, तो आप इस पर क्लिक करके कोई भी सवाल पूछ सकते हैं। तो कुछ इसी प्रकार से आप इस ऐप को यूज कर सकते हैं और यहाँ से आप इंग्लिश सीख सकते हैं। आशा करता हूँ वीडियो आपको पसंद आई होगी। वीडियो पसंद आए वीडियो को लाइक कीजिए और चैनल पर नए हो चैनल सब्सक्राइब कर लीजिए। मिलते हैं नए वीडियो के साथ, तब तक के लिए बाय बाय।